स्मार्ट पास शुरू कर आगे बढ़े हम लोग आगे बढ़िए शिक्षक साथी पंक्तिबद्ध होकर अपने जनपद का प्रतिनिधित्व करते हुए इसे कदम मिलाकर मंजिल की ओर बढ़ते हुए जनपद अमरोहा के ये छात्र छात्राएं मार्च पास्ट में शिक्षक साथी के लिए छात्र छात्राओं के थोड़ा पीछे चलें कदम से कदम मिलाकर मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए जनपद अमरोहा के ये नौनिहाल साथ में इनके शिक्षक साथी उसके पीछे जनपद संभल के समस्त शिक्षक साथी और छात्र छात्राएं जनपद अमरोहा के बालक बालिकाएं मार्च करते हुए जनपद अमरोहा के बाद सलामी मंच की ओर आता हुआ जनपद संबल वहां के नौनिहाल चेहरे पर मुस्कान के भाव लिए दिल में जीत का हौसला रखे ये नौनिहाल लगातार दो दिन तक इस भवनपुरी स्टेडियम में अपनी प्रतिभा आप तक पहुंचाएंगे। एक बार के लिए जोरदार तालियां। सलामी मंच पर सलामी देते हुए जनपद संबल की नौनिहाल सलामी पर हैं आदरणीय श्री एन डी भक्ति सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा द्वादश मंडल मुरादाबाद प्राचार्य श्रीमती नीलम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री सर्वदानंद जी जनपद रामपुर चार के खंड शिक्षा अधिकारी श्री प्रेम सिंह राणा जी श्री त्रिलोकीनाथ गंगवार जी खंड शिक्षा अधिकारी सैदनगर खंड शिक्षा अधिकारी शाहबाज श्री विजय कुमार जी खंड शिक्षा अधिकारी मिलर श्री विनोद कुमार जी खंड शिक्षा अधिकारी चमरौआ श्री विजय वीरेंद्र सिंह जी खंड शिक्षा अधिकारी बिलासपुर श्री नरेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी संगठन में जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ श्री कैलाश बाबू पटेल जी जिला महामंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ श्री आनंद प्रकाश गुप्ता जी जिला अध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ श्री डॉक्टर राजवीर सिंह जी जिला महामंत्री जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ श्री कमर इशाद जब्बार साहब श्री हरिराम दिवाकर जी श्री सत्यदेव शर्मा जी डॉक्टर सरफराज अहमद डॉक्टर एहसान खां डॉक्टर अजहर अहमद श्री उमेश पाल सिंह जी श्री अंजुम मिसनेही सक्सेना जी दीपक कुंडीर जी अजहर अहमद जी मनोज जी समस्त शिक्षक साथी। अब सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए नौनियाल हाथ में अपने जनपद का ध्वज लेकर आगे बढ़ते हुए मंच को उपस्थित माननीय सहायक शिक्षा निदेशक द्वादश मंडल मुरादाबाद श्री एन डी वर्मा जी को सलामी देते हुए ये हैं जनपद के नौनिहाल कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए और ये दिखाते हुए कि हम अपने जनपद का नाम रोशन करेंगे मंडल में ही नहीं बल्कि प्रदेश में इस हौसले को इस जज्बे को दिल में लेकर आगे बढ़ते हुए कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नौनिहाल बिजनौर की छात्र छात्राएं अपने शिक्षक साथियों के साथ। अब सलामी मंच की ओर आते हुए आप हैं जनपद रामपुर के नौनिहाल सबसे पहले ध्वज लिए हुए बालिका साथ में इनके व्यायाम शिक्षक और प्रदेश स्तर पर अपना परचम लहराने वाली पीटी की हरियाल की टीम कदम से कदम मिलाकर ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ते हुए जनपद रामपुर के नौनिहाल आज के इस समारोह की संरक्षक महोदय की समक्ष सलामी देते हुए जनपद रामपुर कदम से कदम मिलाकर पीले प्रदेश में उसके पीछे हमारी निर्धारित ड्रेस में ये बालक बालिकाएं अपने व्यायाम शिक्षक स्कूल के शिक्षक साथियों के साथ इन बच्चों के हौसले को सलाम इनके जज्बे को सलाम इनके समर्पण को सलाम और जो मंजिल का लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है उसकी ओर बढ़ते हुए इनके ये कदम जनपद रामपुर के नौनिहाल आज के रेडी के संरक्षक महोदय के समक्ष सलामी देते हुए सलामी मंच पर उपस्थित हैं हमारी जनपद रामपुर में इस समय मंडल मुरादाबाद के सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक आदरणीय एन डी वर्मा जी
प्राचार्य डायरेक्ट श्रीमती नीलमारी टमटा जी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद रामपुर श्री सर्वदानंद जी, जनपद के समस्त ब्लॉक्स के खंड शिक्षा अधिकारी, संगठन के समस्त पदाधिकारी और सम्मानित शिक्षक, कृपया इन बालक बालिकाओं का हौसला पंडाल से बढ़ाते रहें, तालियों की गड़गड़ाहट इन तक जरूर पहुंचाते रहें। दो दिन में अगर आपको इनकी कोई भी बात, कोई भी प्रदर्शन दिल को छुए, हम चाहेंगे इनके लिए तालियों की कंजूसी ना हो। ये नौनिहाल पीछे पीछे कदम से कदम मिलाकर चलते हुए और संरक्षक महोदय को सलामी देते हुए। दो दिवसीय मंडलीय शैक्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता जिसका मेजबानी जनपद रामपुर को मिली है, हमें बड़ा ही हर्ष है कि शॉर्ट नोटिस पर